Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. How much you are excited for after winning this trophy? My God. Obviously excitement अच्छी है. The feeling is good. ASO Space एक ऐसा शो जिसने पहले सीजन में ही इतना बड़ा धमाका कर दिया पूरे इंडिया में, एंड दैट धमाका इज़ बीन टाइटल्ड विद माई नेम. आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग फीलिंग. तो या इट्स अ ग्रेट फीलिंग. आई एम द विनर ऑफ सीजन 1 ASO Space. इट्स ग्रेट. मेन रीज़न फॉर मी विनिंग इज आई थिंक आई वॉज माई सेल्फ, एंड ऐसी ही हूँ मैं लाइफ में. बहुत रोती हूँ, बहुत हंसती हूँ, बहुत मस्ती करती हूँ, डांस बहुत करती हूँ. सो दिस इज़ जस्ट मी, एंड आई थिंक दैट हैज़ मेड मी विन. बिकॉज अगर मैं अपने आप से, मैंने बहुत प्यार किया इस शो में, एंड अपने लोगों से जिस शो में है उनसे बहुत प्यार किया है, एंड जो प्यार मुझे फैंस करते हैं, तो वो आई थिंक हैज़ मेड मी विन, एंड दे हैव लव्ड माई रियल साइड. This is me, yeah. Okay, so my reaction nahi tha aisa kuch, because we always had this vision just before even entering the house. We always had this vision of us being in top 2, mastermind beech mein khade, hamara haath pakad ke bol rahe hain kaun jeet raha hai, and main usse fir chidaungi ki main jeet gayi, ya wo mujhe chidayega ki wo jeet gaya. So we had all of these plans. So yeah. So बार बार हमें ये कहा गया है शो में कि इट्स द गेम ऑफ स्पेस इन द हाउस एंड इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल. सो आई थिंक ये हम थोड़ा सा फैक्टर भूल गए थे, एंड एंड मोमेंट पे जो आई थिंक जो ट्विस्ट आया है, इट वॉज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी. वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने कहा था एक विजन देखा था मैंने, वो विजन मेरा टूट गया. सो आई वॉज वेरी वेरी अनहैप्पी. सो इवन आफ्टर विनिंग आई वॉज अ लिटल अनहैप्पी विद दैट फीलिंग, बट इट्स ओके. इट वॉज अ गेम शो ऑन दैट स्टेज, एवरी थिंग हैपन्ड, नाउ वी ऑल फाइन. ओके ओके. विद होम यू गेट जेलिस? फिजा. Most annoying contestant, Pratik bhai. My brother is the most annoying person on this planet, I'm telling you. Top 5. I always wanted to see top 5 mein Varun, Divya, Fiza, Faizi and Pratik. Acha. Okay. So, okay. Varun, I would say honest. Divya, I would say total drama. Fiza, I would say strong, very strong. Faizi, I would say exclusive in life. Uske jaisa na koi tha, na koi hai, na rahega. I'm very sure about it. And Pratik, I could call him loudspeaker for sure. Worst fight was, meri khud ki honi chahiye ya kisi ki bhi ghar mein? किसी की भी घर में. तो आई थिंक द वर्स्ट फाइट वॉज द फार्म टास्क फाइट. आई थिंक उसमें माँ, बहन, खानदान, फिर भेड़, बकरी, यू नो, एवरी वन वेर इन्वॉल्व इन अ वे दैट यू नो एवरी वन हैड अ फीलिंग ऑफ लाइफ इन इन डेंजर वाला जो सिचुएशन था. एंड द प्रॉब्लम, यू नो, ASO Space में प्रॉब्लम ही होती थी. बिग बॉस में एटलीस्ट आप भाग सकते हो, यहाँ पर ठीक है लड़ाई हुई है, कहाँ भागोगे? तो रूम सा था लॉक्ड, यू हैव टू, ऑल यू हैव टू डू इज रन इन द बाथरूम, एंड व्हेन यू रन इन द बाथरूम देयर आर 50 पीपल आउटसाइड स्क्रीमिंग, व्हाट आर यू डूइंग इन द बाथरूम, गेट आउट ऑफ द बाथरूम, यू कांट इवन बी योरसेल्फ. सो इट वाज अ वेरी मैड हाउस. इट्स अ मैड हाउस. बेस्ट मोमेंट विद वरुण, आई थिंक देयर आर सो मेनी, आई जस्ट कांट से जस्ट वन, बट आई थिंक द बेस्ट मोमेंट वॉज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक आई कॉन्टैक्ट था इन द दिवाली पार्टी. वी हैड स्वॉप्ड, हम अलग हो गए थे, एंड तभी ऐसा रोना आया था जैसे पता नहीं क्या हो गया है लाइफ में, यू नो. एंड वेन आई नाउ सी दैट थिंग, आई फील लाइक, अरे ये तो कितनी नॉर्मल बात है, उसे दूसरे रूम में ही तो गया था, मैं इतना क्यों रो रही थी, यू नो, दैट वे. बट इन दैट शो
यू फील लाइक नाउ व्हाट यू नो. तो द बेस्ट मोमेंट आई फील वाज अ स्मॉल 30% ऑफ रियलाइजेशन दैट वी आर इन लव वाज वी वर डांसिंग दिवाली वाली पार्टी में एंड एक वो रोमांटिक डांस हुआ था हमारे बीच में विच नेवर हैपेंड इन 2 years एंड द वे वी लुकड इन टू ईच अदर्स आईज आई एम लाइक फक दिस इज समथिंग डिफरेंट दिस समथिंग फकिंग डिफरेंट हैपनिंग. सो या आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट मोमेंट फॉर मी. Oh, my friendship with Fizza. I love that woman. I swear. Like, पता है उसके साथ रह के ना मतलब जो एक वो एक दिन वो मुन्ना भाई सर्किट देखा है वो सेम फीलिंग यू नो सेम फीलिंग लाइक शी इज़ द मुन्ना भाई एंड आई एम द सर्किट राइट नेक्स्ट टू हर एंड वो गाली दे रही है लाइक हाँ सही है वो रो रही है हाँ सही है. तो इट वॉज दैट एंड देर वॉज अ टाइम वेन मुन्ना भाई वेंट मैड एंड मुझसे लड़ने लग गया. मतलब एक होता है कि तुम वो यू नो झगड़े झगड़े में तुम दूसरों से झगड़ा करो मैम ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई. सो दैट मोमेंट सो आई थिंक बट देन वी आर वेरी इनसेपरेबल हमारी दोस्ती वो बोलते हैं ना एक सीता और एक गीता टाइप ऑफ जोड़ी वॉज वेरी मच सीन एंड आई यूज़ टू लाइक हर ऐसा जो उसका नॉटी साइड है ना आई यूज़ टू लाइक दैट एंड शी यूज़ टू लाइक द सीधा साइड ऑफ मी. So we are into love. I swear we are in love with each other. And मैं तो उससे और झगड़ा करूँगी. Like there are a lot of topics. अभी तो मैंने बाहर आके मैंने videos देखे उसने मेरे बारे में इतनी बकवास की मैं सब एक एक का हिसाब पूछूँगी. I don't care a fuck what she has told me. Just to tease her, I would fight with her and I just want to see that reaction. Divya yaar, ठीक है तूने भी बोला whatever and I just love that woman. वरुण चेतना ओके. सो एक होता है तुम्हारी लाइफ में एक आती है ना एंजल जो तुम्हें एक डंडा दे के जाती है कि यू नो ए लिसन यू आर रॉन्ग यू नो दैट. सो वो मैं जब मैं डंडा देती थी तो मैं एंजल इन डिसगाइज थी शायद दिखी नहीं या मैं शैतान दिख रही थी आई डोंट नो. तो वो इफेक्टिव नहीं हुआ बट द बेस्ट पार्ट इज़ वो डंडा तब इफेक्ट हुआ जब शी हैड कम अगेन इन द शो and that was beautiful and Varun and Chetna's friendship I think bahut sahi time pe jo realization tha about Varun and my feelings that happened because agar usse zyada hota to Varun would have spoiled two relationships ek mere sath ek Chetna ke sath mere sath kahin na kahin repair hone ke chances bhi the because we are inseparable that way as best friends also we were. बट चेतना को वो लूज़ कर देता फॉर श्योर अगर उससे ज़्यादा आगे बात बढ़ती तो. बट आई एम ग्लैड दैट शी इज़ अ वेरी अंडरस्टैंडिंग वुमेन एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड मैच्योर दैट वे इन दी हेड दैट यू नो शी टुक इट वेरी स्पोर्टिंगली. एंड आई थिंक वरुण और चेतना की फ्रेंडशिप बाद में है अभी एंड इट्स चेतना एंड दिव्याज फ्रेंडशिप मोर. सो हम दोनों मिलकर उसको बहुत सताते हैं बिकॉज उसने ये किया हमारे साथ बहुत. हुकअप कौन से ओके. सो हुकअप विद यार क्या ऑप्शन भी ऐसे दिए ना मतलब देखो आधे से ज़्यादा तो मैंने भाई बनाए हुए थे शो में ठीक है. तो अब मैं क्या नो आई मीन गिव मी सम अरे बाप रे बाप रे आई कांट इवन इमेजिन आई एम वेरी ओल्ड स्कूल दैट वे यार मेरे को उल्टी आ रही है आई स्वेयर लाइक नॉट दैट वे एट ऑल. सो हुकअप्स आई एम नॉट इनटू हुकअप्स एट ऑल इन माय लाइफ आई हैव नेवर डन दैट. सो हुकअप तो छोड़ दो इफ़ यू ऑल कैन प्लीज स्पेयर मी बिकॉज पूरे शो में मेरे से ये सारी आंसर्स पूछिए बट आई स्टिल ट्राई एंड आंसर यू. किल ना किल इज़ बिटवीन OPM प्रतीक वरुण एंड फैजीबू ना हाँ. सो आई विल किल प्रतीक एंड बिकॉज उसका पागलपन ना मुझसे संभाला जाता है ना फैजीबू से संभाला जाता है. तो एक्चुअली फैजीबू विल हेल्प मी इन दिस सो आई विल किल हिम एंड मैरी वरुण ऑफ कोर्स एंड और क्या था डेट फैजीबू यार आई विश आई वाज अ गाय फॉर द ऑडियंस ओके. फॉर द ऑडियंसेस आई लव यू ऑल माय फैंस माय फैन क्लब्स माय लिटिल किड्स. You all know how much I love you all
and it's all because of you guys have won the show, and I'm proud that you guys have always taken me as an inspiration, as an idol, as Divya Didi, what you guys call me, and you know, ek respect jo tum logon ne mujhe di hai. I'm glad. मुझे बहुत डर लग रहा था शो में आने से पहले कि इट माइट गो आउट फॉर अ टॉस, मे बी दिस रिस्पेक्ट विल नॉट बी देयर. अगर उन लोगों ने मेरी रोज़ की लाइफस्टाइल देखी, मेरा गुस्सा, मेरा प्यार, मेरा झगड़ा देखा, बट आई एम ग्लैड दैट इट्स स्टिल देयर, बिकॉज ट्रू लव नेवर गोज अवे, यू नो, नेवर गोज अवे. सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट माई फैन क्लब्स इन मी, द ट्रू लव इज़ देयर, एंड आई फाउंड द ट्रू लव फर्स्ट विद यू गाइज. So you guys are my first love in life, and thank you so much for loving me and trusting me and keeping that respect alive, and I love you all. Yeah, also it was Miss India jeetna mujhe bahut tha. That way I wanted to be like, I wanted to be Miss India, I wanted that tag. तो उसके लिए मैंने बहुत फाइट की थी, बट फॉर द रियलिटी शोज इट वॉज नेवर अबाउट विनिंग, इट वॉज ऑलवेज अबाउट एक्सपीरियंसिंग द एंटायर जर्नी एंड लिविंग द मोमेंट एंड यू नो डॉक्यूमेंटिंग दैट एंटायर जर्नी इन माई लाइफ. कल को मैं 20 साल बाद, इफ आई विल बी ऑल बुड्ढी, माई हेयर्स आर फॉलिंग, माई टीथ आर गॉन, आई जस्ट ओपन बूट एंड आई विल बी लाइक, ओ आई डिड ऑल ऑफ दिस इन द शो, ओ आई वॉज फाइटिंग, ओ आई वॉज किसिंग इन द शो, लाइक ऑल ऑफ दोज मोमेंट्स, एंड आई कैन लाइक प्रॉब्ली शो माई जनरेशन लाइक, लुक व्हाट योर मदर डिड. So it's an exciting thing for me. It was always about that. Winning and losing is a part of life. But I'm glad that I won this show because there were a lot of things which I had taken from my past. I got it here in this show. And I was standing for it. Standing for women. Standing for love. Standing for hate. So I think it's all justified now. Hi everyone, this is Divya Agarwal and you're watching IWM Buzz. Thank you so much for watching. Keep watching.